सब पहले ही लिखा, हम लोगों ने पूछा भी नहीं, हम लोगों ने कुछ भी उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने पहले ही लिखा। उन्होंने हमसे बोला भी कि आप पूछो हमसे, पर हम लोग को सिर्फ मिलना था उनसे, और उन्होंने वही लिखा जो मेरे मन में क्वेश्चन था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ऊपर लेकर नहीं जा पाई, ये मेरी मम्मा है। मैं रात को जब नरियल लेके मैंने प्रार्थना की थी कि आप मुझे सुबह बुलाना, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, कैसे पॉसिबल है ये? भगवान ही है, मतलब बागेश्वर धाम बाबा सीरियसली हैं, और उनको हम तो विश्वास है हम लोगों को, और हम तो उनको मानते हैं, और आज से हम उनको मानेंगे ही, और हम अब धाम पे भी जाएंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं रोमो वॉइस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी चीज दिखेगी जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इसमें एक ऐसे हिंदू पंडित को एक्सपोज किया है जो बहुत फेमस होता जा रहा है आजकल, और वो ऐसी चीजें करके दिखाता है जो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बाबा कर रहा कैसे है। तो आइए हम आपका वक्त जाया किए बगैर वीडियो की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताता चलूं कि ये पंडित अभी नया नया आया है और ये लोगों को बहुत ही उल्टी चीजों में भड़का रहा है, और जो शहूर आफ्ता लोग हैं उनको पता है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि वो किस तरह से ये चीजें करता है और फिर उसके मुतालिक बताता है, और उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब को का भी बयान इससे रिलेटेड सुनाएंगे, और वो इसे किस तरह से एक्सपोज करेंगे वो आप सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग वक्त बात की अगर हम वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अमेजिंग होने वाली। जी हाँ, और आज अर्जी लगी और मैं बहुत बहुत खुश हूँ बाबा जी से मिलकर, ऐसे लग रहा था मेरे सारे काम पूरे हो गए। इस पर्चे में जो भी चीजें लिखी हैं वो पहले लिख दी गई? नहीं नहीं, बस हम लोग पहुंचे, हाँ ये सब पहले ही लिखा, हम लोगों ने पूछा भी नहीं, हम लोगों ने कुछ भी उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने पहले ही लिखा, उन्होंने हमसे बोला भी कि आप पूछो हमसे, पर हम लोग को सिर्फ मिलना था उनसे, पर उन्होंने वही लिखा जो मेरे मन में क्वेश्चन था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ऊपर लेकर नहीं जा पाई, ये मेरी मम्मा है, जो है वो सच ही है, रियलिटी है, ये जो पर्चा है हमने उनको कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ ये था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्वेश्चन करूँ, क्योंकि मैं उनको लेकर नहीं जा पा रही थी, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेटली विश्वास है, क्योंकि मैं रात को जब नरियल लेके मैंने प्रार्थना की थी कि आप मुझे सुबह बुलाना, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, कैसे पॉसिबल है ये? उन्होंने मुझे बुलाया है। तो बहुत सारे लोग ये भी तो कहते हैं ना कि ये जो जैसे जो पर्चा बना उसमें जो है कुछ जनरल बातें होती हैं, जनरली बातें। आने से पहले हमने भी सोचा था कि ऐसा कुछ होता है, पर नहीं, हम ना कभी उनसे मिले हैं और ना कभी भी, बस हमने इंस्टाग्राम पे उनको देखा और जस्ट वी केम हेयर एंड इट जस्ट हैपेंड, और ये सब भगवान ही है, मतलब बागेश्वर धाम बाबा सीरियसली हैं, और उनको हम तो विश्वास है हम लोगों को, और हम तो उनको मानते हैं, और आज से हम उनको मानेंगे ही, और हम अब धाम पे भी जाएंगे उनसे मिलने। हम क्या करते हैं? मैं बिजनेस वुमन हूँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? मैं बीकॉम ग्रेजुएट। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ये सब प्री प्लान्ड है, ये आप सब ये हमने भी सुना है, और हम भी यही बोलते हैं कि प्री प्लान्ड है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने बातों मेरा गुड्डू भी नहीं मान रहा था, कह रहा था अगर आपको बुला लेंगे तो मैं मान जाऊंगा, तो हमको बुला लिया। तो इस पर्चे में भी तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जनरली बातें होती हैं कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमको भी यही लगा था कि ऐसा होता है कि ये सब झूठ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हम किसी से मिले ही नहीं है, बस हम लोगों ने अपने अंदर ठाना कि हम लोग को वो बुलाएं, और हमने दिल से प्रार्थना की और उन्होंने सुनी, क्योंकि ये रियल है, बिल्कुल रियल है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें आज क्या कहेंगे आप? जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो जब एक बार आके यहाँ पे देखेंगे ना और उनसे उनका सत्संग सुनेंगे, तो वो डेफिनेटली वो भी यकीन करने लग जाएंगे कि ये सब कुछ भी लाए नहीं है, जस्ट अ ट्रुथ। एक बार उनसे यकीन करके मिलकर देखिए आप। उन्होंने सबसे पहले बोला कि उन्होंने अपने लिए नहीं बोला, उन्होंने कल सत्संग में एक बात बोली थी कि वो एक्चुअली सबसे बड़े भगवान है कृष्ण भगवान, और उसके बाद हैं सारे भगवान हैं, पर अगर भगवानों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो हनुमान भगवान को बोलते हैं, और हनुमान भगवान कौन है? वो कलयुग के देवता हैं। तो वो अगर जैसे हम लोग को कोई भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवान नहीं आते हैं, वो बीच में अगर कोई ज़रिया है तो वो हमारे हनुमान भगवान है, और वो बागेश्वर धाम बाबा है। अगर हमें कुछ भी दिक्कत है तो वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब आप ये तो नहीं कि ये केवल फेमस होने के लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, इट जस्ट अ ट्रूथ। देखिए ना, आप सामने, आपके सामने भगवान का पर्चा है यार। नहीं, मैं वही बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ, किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी वॉलंटियर? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ कौन है आप, किसी को भी नहीं। इट जस्ट अ रियल, और मैं सच में बोलूंगी कि आप लोग सब भी भगवान से जुड़िए। और जैसे इंडिया में बाबा बहुत सारे आते हैं, हर 10 साल बाद एक बाबा चाहिए होता है इंडिया को मोटिवेट करने के लिए, तो लेकिन वो फेहरिस्त इतनी लंबी है कि फिर वो बाबा धोखा देके चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये ये सनातनी है? उन्होंने क्या बोला है? सनातनी, वो सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं, और हिंदू धर्म, हम तो सब लोग हिंदू। पुराने बाबा भी तो कहते थे हम भी सनातनी है, डबल सनातनी है। नहीं, हाल देख रहे हैं आप? नहीं, पर जिनको लगता है ना कि भैया ना, अगर जैसे हम है ना, अगर इनका काम नहीं करेंगे, जो मेहंदी और बालाजी से आते हैं, जो बालाजी को मानते हैं, हनुमान भगवान को मानते हैं, तो उनका ये रहता है कि अगर हमने झूठ बोला तो हमारा गलत ही होगा,
उनका मेन ये रहता है, वो झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं। जो हनुमान को ये है कि ये विश्वास नहीं तोड़ेंगे आप, नहीं नहीं, और ये सच में है, ये रियल है। प्लीज आप लोग भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, प्लीज आप आओ और उनसे मिलो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ, तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे, कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसे चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ, उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था, आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूँ। इसे कहते हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल, आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था रुमाल के अंदर, आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब, फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को दो टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना पीसी सरकार, तो बहुत बड़ा मैजिशियन था। वो साईं बाबा के पास गए, साईं बाबा क्या करते थे, चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया, साईं बाबा निकालते थे भूभूत हुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है, कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपके आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना, हमने साइंस में सीखा एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है, और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहि सलाम की, ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते, तो ईसा अलैहि सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए, कुरान मजीद। पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं वो सही है क्या गलत है, ये जो है ना ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगे कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है, 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है, 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको, अमेरिका में एक साइकोलॉजिक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो, एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे,
अपनी चिट्ठी खोलते उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वॉज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म उन्होंने कहा कि 90% से ज़्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज़ लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंज़ाबु वल अस्लामु डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स डिवाइनेशन ऑफ एरोज बुध परस्ती और फांसे फेंकना रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है, रिश्त में मिली शैतान फर्स्ट निबुल्लकुम तफलियून, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगा कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।